मैं हूं अल्फी और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज़ लाइव। शंभू बॉर्डर पर मंगलवार को जवान और किसान एक बार फिर आमने सामने दिखे। पुलिस की ओर से दिल्ली कूच रोकने के लिए किसानों पर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की गई तो आक्रोशित किसानों ने पथराव किया। पुलिस की ओर से 15 लोग जख्मी हुए तो 12 से अधिक किसान भी घायल होकर अस्पताल पहुंचे। घायलों में अम्बाला DSP अर्शदीप भी शामिल है। अम्बाला पुलिस प्रशासन की ओर से करीब एक पखवाड़े से किसान को शंभू बॉर्डर पर रोकने की कोशिश मंगलवार को कामयाब रही। लाख प्रयास के बाद भी किसान बैरिकेटिंग तोड़ने में नाकाम रहे। इस दौरान पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार के साथ रबर की गोलियां भी चलाई गई, जिसमें कई किसान जख्मी हो गए।